हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड 10th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग जो कंपाइलेशन जो स्टेप था उसमें जो फाइल यूज़ होता था TS कॉन्फ़िग डॉट जेसन उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइल हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो देखे ही थे कि लाइक किस तरीके से टारगेट क्या काम करता है, लिप क्या काम करता है। वैसे इस फाइल में जितने भी चीज़ें हैं सिर्फ उतना ही यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जो आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट नॉट ओनली लाइक कि आप नॉर्मल ऐसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना के यूज़ कर सकते हैं, आप उसके रिएक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप से आप वेरियस डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है ये बेसिकली सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। तो मे बी सारी चीज़ें हमारे काम के नहीं ना भी हो, तो जो जो चीज़ें ऐसे ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे नहीं। जैसे कि ये जो JSX है ये प्योरली रिएक्ट JS रिलेटेड है, ठीक है। ये सारा JSX फीचर्स, रिएक्ट नेम स्पेस, ये सारे रिएक्ट JS रिलेटेड है। जब हम लोग उस मतलब जब हम लोग रिएक्ट के साथ टाइप स्क्रिप्ट देखेंगे तब हम लोग वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो है कॉमन JS का मॉड्यूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। रूट डायरेक्टरी का मतलब है कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है वो कौन से फोल्डर में है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो जो भी फोल्डर है उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं वो सारे फाइल्स को वो ट्रांसपाइल कर देगा, ठीक है। और मतलब कंपिलेशन में यूज़ होगा। फिर बेस URL होता है कि कोई, जैसे हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तब हम लोग इंपोर्ट में नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग पाथ स्पेसिफाई करते हैं, लाइक डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, मतलब रिलेटिव पाथ स्पेसिफाई करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग कोई कॉमन पाथ दे दे कि हमारा जो मॉड्यूल्स है वो सब इस फोल्डर में है, तो अगर हम लोग वो पाथ दे दें उस जगह का, जैसे से फॉर एग्जाम्पल SRC/components, तो अगर हम लोग उतना मेंशन कर दें तो जब भी हम लोग नॉर्मली लिखेंगे कि कोई लिखते लाइक स्लैश बटन, तो वो ऑटोमेटिकली SRC components और स्लैश बटन वो अपेंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। अलाउ JS एंड चेक JS का क्या मतलब है, ये बेसिकली यूज़ होता है अगर आप मतलब वैसे तो ये ऐसा है कि जो जावास्क्रिप्ट फाइल को भी वो चेक करेगा। वैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे नहीं, मतलब .js से कोई फाइल बनाएंगे नहीं। मोस्ट ऑफ़ द फाइल जो है वो हम लोग .ts का ही बनाएंगे। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं .js का भी फाइल बनाऊँ तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर उसको भी चेक करेगा कि नहीं, और अगर चेक करेगा तो उसके अंदर भी टाइप चेकिंग वगैरह सब कुछ देखेगा या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे सोर्स मैप जो होता है, सोर्स मैप बेसिकली यूज़ होता है कि अगर हम लोग कोई फाइल को ओपन करते हैं ब्राउज़र में, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लाइव सर्वर में ओपन करूं, ठीक है, और यहाँ पे नॉट दिस वन इंस्पेक्ट को ओपन करूं और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे मैं सोर्सेस में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी अभी मैंने इसको ट्रांसपाइल नहीं किया तो मेरा जो ऐप डॉट जे एस है वो लोड नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरा SRC टैग्ड है, तो मैं एक बार क्विकली इसको TSC कमांड रन करा के, तो हमारा ऐप डॉट जे एस जो है वो लोड हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप डॉट जे एस जो है वो फाइल लोड हो गया, ठीक है, सोर्स में। पर नॉर्मली ये JS फाइल कौन तैयार करेगा, टाइप स्क्रिप्ट। तो हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट पे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट का जो फाइल है वही फाइल लोड हो वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम लोग ये जो सोर्स मैप जो फाइल है इसको ट्रू करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अभी मैं एक बार फिर से अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक JS.map का भी फाइल तैयार हुआ है, जो बेसिकली हम लोग पढ़ के तो समझ नहीं सकते कि क्या है नहीं है, पर सारे मॉडर्न ब्राउज़र को समझ में आता है। और अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप डॉट टी एस का भी जो फाइल है वो हमारे ब्राउज़र में लोड हुआ है और हम लोग डायरेक्टली जो कोड वहाँ पे लिखा हुआ है वो चेक कर सकते हैं। तो सोर्स मैप अगर आपको जनरेट करना है तो तब आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।
वैसे तो हालांकि सारा चीज़ें जो है वो सब कुछ मतलब ऑप्शनली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग केयर नहीं करते। आउट फाइल जो है वो बेसिकली सारे ये जो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऐप डॉट जे एस है और ऐप जे एस डॉट मैप जो भी सोर्स फाइल का चीज़ें हैं वो सब कहाँ पे तैयार हो रहा है, जहाँ पे मेरा ऐप टी एस फाइल है वहीं पे। पर नॉर्मली जब हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तब वहाँ पे या तो एक बिल्ड नाम से फोल्डर होता है या फिर डिस्ट नाम से फोल्डर होता है, और हमारा सारा जो आफ्टर बिल्डिंग जो प्रोडक्शन बिल्ड है वो हम लोग उस फोल्डर के अंदर रखते हैं। तो अब आप यहाँ पे वो सारे चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन से फोल्डर के अंदर वो सारा चीज़ें जाएगा, आउट फाइल और आउट डायरेक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आउट डायरेक्ट्री को अनकमेंट करूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ कि वो बिल्ड के अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से अगर टी एस सी कमांड रन करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आप ऐप डॉट जे एस है वो यहाँ पे मतलब जो मेरा मेन फोल्डर था वहाँ पे तैयार नहीं हुआ, वो तैयार हुआ किसके अंदर, बिल्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि भाई बिल्ड के अंदर तैयार होगा, तो अगर बिल्ड के अंदर है तो हमें अपने इंडेक्स फाइल को भी उस हिसाब से अपडेट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड प्लस ऐप डॉट जे एस, तो इतना लिखने के बाद फिर से हमारा जो ब्राउज़र है वो सेम तरीके से वैसे के वैसे काम करना चालू कर देगा, उसके अंदर का जो भी फाइल्स है उसको लोड कर देगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा कोड है वो कोड तो काम कर ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा आउट डायरेक्टरी। फिर रिमूव कमेंट्स, ये मतलब अगर आपके टी एस फाइल में कोई कमेंट है तो वो जावास्क्रिप्ट में फाइल में नहीं आएगा। नो एमिट ट्रू का मतलब होता है कि अगर कोई फाइल में एरर है तो मतलब कोई अगर कंपाइलेशन एरर आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में तो कोई भी फाइल जनरेट नहीं होगा, जनरली फाइल जनरेट हो जाता है अगर एरर है तब भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आधा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम लोग क्लियर नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के टाइम हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा ये सारा चीज़ें एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसका डॉक्यूमेंट्री पढ़ के वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पर अगर इससे भी समझ में ना आए तो आप ऑफिशियल डॉक में जाके उसको चेक करवा सकते हैं। टाइप चेकिंग में इम्पॉर्टेंट है, टाइप चेकिंग की चेकिंग में बेसिकली स्ट्रिक्ट ट्रू होने का मतलब है ये जो सारा डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो सब ट्रू। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो सारा डिफॉल्ट सेटिंग है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर कुछ चीज़ को आप ट्रू रखेंगे कुछ चीज़ को फॉल्स रखेंगे तभी आप ये जो स्ट्रिक्ट ट्रू है उसको बंद कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रिक्ट ट्रू को इनेबल करना या फिर इसको हटा के इन सारे को इनेबल करना सेम काम है। ठीक है, इससे क्या होता है ये सारा चीज़ें चेक करता है, जैसे नो इम्प्लिसिट एनी मतलब टाइपस्क्रिप्ट बोल रहा कि भाई कोई भी ऐसा वेरिएबल या कोई भी ऐसा पैरामीटर जो है वो बिना टाइप का नहीं होना चाहिए, आपको उसका टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर नल चेक फंक्शन टाइप्स जो है वो सारे मतलब नल चेक सारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं, फिर फंक्शन टाइप्स जो है सारा प्रॉपर फंक्शन में टाइप डेफिनेशन है कि नहीं, किस तरीके से आप बाइंड कॉल अप्लाई को यूज़ कर रहे हैं उसका सारा यूज़ केसेस स्ट्रिक्ट हुआ है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ें बेसिकली इसके अंदर चेक होता है। तो ये इन शॉर्ट पूरा पूरा कंपाइलेशन का चीज़ है जिसमें हम लोग जैसा डिफाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी के साथ करते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को हम लोग इधर उधर छेड़छाड़ कर देते हैं जिसको हमें अपने मतलब कंपनी टू कंपनी ये वेरी होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है कि किसको कैसे कोड क्वालिटी चाहिए किस हिसाब से उसको तैयार करना है। जैसे नो अनयूज्ड लोकल की मतलब जैसे स्टैंडर्ड वाइज हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा वेरिएबल डिफाइन मतलब रखते नहीं है जो यूज़ नहीं हुआ है, अगर मतलब डेवलपमेंट के टाइम हो सकता है कि आपको लग सकता है कि यूज़ हुआ है, बाद में जाके अगर हम देख रहे हैं कि फाइल के अंदर ऐसा कोई वेरिएबल है जो यूज़ नहीं हुआ है तो टिपिकली हम लोग उसको हटा देते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई हटाना भूल जाते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट आपको ऑटोमेटिकली एरर दे देगा। तो ये होता है बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड को ट्रू रखना या फिर इन बाकी सबको ट्रू करके रखना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब जो ट्रू है ये इसके वजह से ही ट्रू है, तो अगर आप इसको हटा के इन सबको कर सक ट्रू मतलब इन सबको अनकमेंट कर देंगे तो बात एक ही है, सीधा सीधा बात इतनी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो हमें यूज़ नहीं करना, कुछ चीज़ों को ट्रू रखना है कुछ चीज़ों को मुझे फॉल्स रखना है, तभी आप ट्रू को हटा के इन सबको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़
को ट्रू रखना, मतलब ये सारा चीज़ें उसके साथ कंपाइल्ड है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा TS कॉन्फ़िग का जेसन फाइल। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.